विकास के लिए जो काम किया है सदैव नेताजी की प्रेरणा से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पूरे पूरे आशीर्वाद से, आदरणीय चाचा जी आपके आशीर्वाद से, मैं चाहूंगा अपने कार्यकर्ता साथियों, अगर हम लोग ईमानदारी से गांव गांव इसकी चर्चा कर देंगे तो बीजेपी के उम्मीदवार को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इतना काम समाजवादियों का है। साथ साथ प्रदेश में समाजवादी सरकार नहीं है, लेकिन आप में ऐसे मैं सोचता हूं बहुत सारे लोग गए हुए मेडिकल कॉलेज में, मेरी तो जाने का मन ही नहीं करता। उसकी दुर्दशा की जितनी कहानियां सुन चुका हूं, 7 साल में मेडिकल कॉलेज की बहुत दुर्दशा कर दी है। कल मंच में कोई खड़े होकर कह रहा था कि तवेरा जैसा हाल बताए मेडिकल कॉलेज का कर दिया है। इसलिए आज इस मौके पर कहूंगा रही चाचा जी, बहुत शानदार क्षेत्र आपके आशीर्वाद से बनाया गया है। आप गए होंगे पूरे क्षेत्र के दौरे पर, जाएंगे आगे तो शायद सबसे बढ़िया गाड़ी जो अच्छे से अच्छी सड़कों पर चलती होगी वो बदायूं के किसी भी गांव और किसी भी गली तक ऐसी गाड़ी ले जा सकते हो। ऐसा बदायूं बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया साथियों। जहां एक और हम लोग इतना बदायूं को बेहतर बनाने की कोशिश की है, वही आपको भी सोचना पड़ेगा, विशेषकर बदायूं विधानसभा के लोगों। बताओ पिछले 3 चुनावों से आप समाजवादी पार्टी को नहीं जिता पा रहे, बताओ इस पर मंथन चिंतन कौन करेगा मेरे साथियों? इसमें कोई शंका नहीं कि 90,000 के आसपास ओडिशा हम लोग वोट पा रहे, लेकिन अभी भी हमें 1 लाख पार कराना होगा, तब हम बदायूं विधानसभा के अंदर पूरी तरह सुरक्षित होंगे। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा, जितनी क्षमता और ताकत हो उस पूरी क्षमता और ताकत का इस्तेमाल कर देना और इस चुनाव में हर हाल में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम कर देना। ये मेरी आपसे साथियों अपील है, प्रार्थना है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि बदायूं विधानसभा का ये क्षेत्र ऐतिहासिक वोटों से यहां से चुनाव जीतना चाहिए। जहां पिछली बार गन्नौर के लोगों से थोड़ी गलती हुई थी, सहसवान में हरी सलीम साहब ने हमारा नुकसान किया था, वही मैं समझता हूं तमाम परिस्थितियां आज आपके पक्ष में है। लेकिन उन परिस्थितियों के पक्ष में होने का मतलब ये नहीं है मेरे साथियों कि आप लोग यहां पे कोई कोताही कर दो। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के हमारे परंपरागत वोटर है, जो हमारे परंपरागत कार्यकर्ता है, वो परंपरागत कार्यकर्ता और वोटर पहले मजबूती के साथ अपने आप को एक कर लो और उसके बाद एक अच्छे आचरण के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं आनी चाचा जी को और यहाँ के प्रभारी महोदय को कि अगर बदायूं के लोगों के बीच हम लोग बहुत अच्छे आचरण के साथ और विनम्रता के साथ निकल पड़ेंगे तो ऐसा कोई समाज नहीं है जो समाज समाजवादी पार्टी को वोट देने को तैयार ना हो जाए। और किया है और बहुत हद तक रिस्पॉन्स मिल भी रहा था और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है। मेरे कार्यकर्ता साथियों आपसे अपील है, प्रार्थना है, बहुत सारी कहानियां सुनी मैंने जब टिकट का परिवर्तन हुआ, लेकिन उन तमाम चीजों से उठ के मैंने उस दिन बिसौनी में भी कहा था टिकट कटने के दूसरे दिन कि मुझसे भी ज्यादा जरूरी है आरणी चाचा जी का मान और सम्मान बढ़ाना। यह मैंने उस समय बिसौनी के साथ ही विचार कहा था। वही बात को मैं दोहराता हूं मेरे साथी, अगर मानते हो तो मैंने बेहतर काम किया है, या तो इस बात को खुले मन से कह देना कि धर्मेंद्र तुमने कोई काम नहीं किया है, खुले मन से कह देना कि धर्मेंद्र तुमने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया है। और अगर ये मानते हो कि मैंने अच्छा काम किया है तो मेरे कार्यकर्ता साथियों अभी से यहां से भी अगर कमर कस लोगे तो 1.25 महीने का चुनाव हमारा बाकी है। शायद एक भी मतदाता बचेगा जिस मतदाता को आप लोग प्रभावित करने में सफल ना हो जाओ साथियों। लेकिन ये केवल कार्यालय तक आने से या केवल कोठी तक आने से या केवल फोटो खिंचवाने मात्र से ये काम होने वाला नहीं है मेरे साथियों। ये काम तभी होगा जब गांव में चौपालों पर जाके बैठोगे, चौराहों पर बैठोगे, एक एक बात पर बहस करोगे। जो हमारे साथियों ने कहा है बीजेपी ने जो दुर्दशा की है, जो बेरोजगारी फैलाई है, जो महंगाई फैलाई है, जो बादों से ठीक उल्टे चले हैं, जो कहते थे किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, अरे यार के शर्मा जी अपना खेत नहीं बचा पाए तो आम किसान कहां से खेत बचा पाएगा। इस बात को हमें और आपको भी लोगों बीच कहना पड़ेगा साथियों। ये बदायूं विधानसभा के लोग गन्ना की बहुत खेती करते हैं, विशेषकर लखनपुर आम गांव से लेके आपके चले जाइए पूरे बाईपास का जितना इलाका है, बहुत गन्ने खेती किसानी करने वाले लोग हैं। लेकिन सोचिए मेरे किसान भाइयों, 7 साल में गन्ने का मूल्य केवल 2 बार बढ़ाया गया और वो दोनों बार, एक बार विधानसभा के चुनाव का लालच था और दूसरी बार लोकसभा के चुनाव का लालच है। बिना चुनाव के लालच के ये सरकार गन्ने का भी मूल्य देने को तैयार नहीं है साथियों।
इसलिए मैं आज इस मौके पर कहूंगा, सत्य नेताजी ने हमें, आपको और हर समाजवादी साथी को सिखाया इस बात का कि जब तक समाज के अंतिम चेहरे पर चमक न ले आए तब तक समाजवादियों चुप रहने वाला नहीं है, चुप बैठने के वो नहीं है मेरे साथियों। इसलिए हमें और आपको जहां लोगों की सेवा करनी है, लोगों के चेहरे पर चमक लानी है, तमाम तरीके की चुनौतियां भी झेलनी है, तमाम बीजेपी के अत्याचार अन्याय भी बर्दाश्त करने हैं, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करके किसी तरह से इस सरकार को बदल दो, क्योंकि अगर सरकार आपने नहीं बदली तो ये मान के चलना ये 7 मई का जो दिन होगा आपके वोट डालने का ये आखिरी दिन होगा, उसके बाद कभी भी आपको वोट डालने का भी मौका ये सरकार बीजेपी की नहीं देगी साथी। इसलिए इनसे लड़ना तबियत से और हम मजबूती से लड़ लो, हालांकि हमारी पैदाइश नहीं थी, हमारे बुजुर्ग नेता लोगों को एहसास होगा किस कदर इमरजेंसी के समय अत्याचार और अन्याय हुए होंगे, और उस अन्याय अत्याचार में उस समय करने वाले लोगों को शायद एहसास भी नहीं होगा कि जब जनता जागेगी तो चंडीगढ़ से कलकत्ता तक खाता नहीं खुलेगा अत्याचार करने वालों का। बताओ ये एहसास कराओगे कि नहीं कराओगे मेरे साथियों, करा दो बीजेपी के लोगों को इस बात का एहसास, बहुत तुम्हारा अन्याय झेल लिया, बहुत अत्याचार झेल लिया, बहुत शोषण झेल लिया, बहुत नौजवानों ने बेरोजगारी झेली, बहुत महंगाई झेली, बहुत किसानों ने उत्पीड़न झेला, बहुत अत्याचार अन्याय झेला है, लेकिन अब हम लोग झेलने वाले नहीं है साथियों। इस बात का सबक और इस बात का एहसास 7 तारीख को वोट के माध्यम से आप सभी को कराना है। मैं उम्मीद ही नहीं, यकीन और भरोसे के साथ कि आप सबकी दम पे भरोसा है, मेरा तो वोट भी नहीं है, वोट भी सौंपेंगे है, घर जरूर आपके सबकी सेवा के लिए बधाई में बनाया था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है जिस घर से पिछले 10-15 सालों से बधाई की लोगों की सेवा हो रही है, आली चाचा जी ने भी उस घर में रहने का मेरा निमंत्रण स्वीकार करके ये साबित कर दिया है कि उसी खोटी से बधाई के लोगों की हमेशा हमेशा सेवा होती रही। तो मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ साथियों, 7 तारीख को आपका चुनाव हो जाएगा, ऐतिहासिक चुनाव जिताना मेरे भाइयों, और आप सब जब यहां से ऐतिहासिक चुनाव जिताओगे तो मैं समझता हूं प्रचार करने जब आजमगढ़ तक पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ में भी आप सबके जिताने से हमारा भी वहां कुछ वोटों में इजाफा जरूर हो जाएगा, लेकिन होगा तभी जब आजमगढ़ के लोगों को बधाई के लोग एहसास करा देंगे कि बधाई में बहुत शानदार काम किया था। अगर ये एहसास आपने जाके आजमगढ़ तक करा दिया तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ के लोग भी जितना भी वोट दे रहे हैं हमारा भी कोई योगदान नहीं है। मैंने मीडिया के बीच कहा, मैं मंच से कहता हूं, आजमगढ़ के लोगों का जो भी आशीर्वाद मिल रहा है अभी उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। सदैव नेताजी का नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के कारण ही आजमगढ़ के लोगों ने मुझे स्वीकारा है साथियों, और जब वहां के लोगों ने मुझे स्वीकार लिया है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब यहाँ के वोट खत्म करा के आप आजमगढ़ पहुंचो तो इतना शानदार जीत दिला के भेजना यहाँ से कि आजमगढ़ के लोग भी खुश हों कि अगर धर्मेंद्र आया है तो कहीं से अच्छा काम करने के बाद हमारे क्षेत्र के बीच आया है। बताओ बधाई वालों, एहसास कराओगे कि नहीं कराओगे इस बात का, क्योंकि आजमगढ़ में अभी मेरा कुछ नहीं है, सत्य नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर उनके आशीर्वाद से मैं चल रहा हूं, लेकिन अगर वहां कुछ बढ़ने वाला है तो बधाई के लोगों आप लोग जाके बढ़ाने का काम करोगे साथियों। मैनपुरी के लोग आए थे बधाई में मुझे छोड़ के गए, और मैनपुरी के लोगों की हुई बातें कहीं ना कहीं बधाई के लोगों को प्रभावित किया था। आज 15 साल से जब मैं बधाई में हूं तो बधाई के लोगों की कही हुई बातें कहीं ना कहीं मेरा सम्मान आजमगढ़ में भी बढ़ाने का काम करेगी। मेरे साथियों, जहां यहां आरणी चाचा जी लड़े, आरणी यादव जी लड़े, हालांकि आप सबकी भावनाओं को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाने का जरूर काम करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला लेने का अधिकार और हक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, उस फैसले को ऐतिहासिक परिणाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे भाइयों आप सभी की है, और जब यहां का फैसला ऐतिहासिक बना दूं तब मैं निमंत्रण दूंगा 8 तारीख को जब यहां पे मंडी में अपने आंखों के सामने ईवीएम मशीन डब्बे में बंद करा लो तब तक न छोड़ना मेरे साथियों। मेरे पास खबरें हैं पिछले चुनाव में भी आरणी चाचा जी हमारी मशीनें बदली गई थी, जनता ने हमें नहीं हराया था, इसलिए बूथ पे ही केवल मशीन पैक करा के ना छुट्टी मान लेना,
जब तक बूथ से लेके मंडी में अपनी आंखों के सामने स्ट्रांग रूम में न रखवा दो, सीसीटीवी का लिंक अपने सामने न दे दो अपने एजेंट के पास, और जब तक वहां पे ड्यूटी पे अपने कार्यकर्ता साथी न लग जाएं, तब तक आपकी जिम्मेदारी कहीं से पूरी नहीं है। और जब मंडी में पैक करा दो उसके बाद फिर आप सपने से जो साथी आना चाहें उन सभी को आजम बनाने का मैं अपनी ओर से निमंत्रण देता हूं, और इस शर्त के साथ कि 7 तारीख तक कोई बनाए वो छोड़ेगा नहीं। 7 तारीख को पैक करा के 8, 9, 10 में जब मन करे जैसी सुविधा हो जो साथी आना चाहे उन सभी का आजम बनने अपनी ओर से स्वागत करता हूं। और मुझे यकीन है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदरणीय चाचा जी से लेके पूरे समाजवादी लोगों के आशीर्वाद से आजमगढ़ का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा, और आजमगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बड़ी अजीबो गरीब है साथियों, बदायूं के लोगों, एक कोने में बनारस लगा है, दूसरे कोने में गोरखपुर है, और आपका आजमगढ़ बीच में है, तो सोचो आपका मुकाबला वहां कैसा हो रहा होगा। लेकिन उस मुकाबले के बीच भी आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो ऐतिहासिक चुनाव जीत के आएंगे, और केवल चुनाव ही नहीं जीत के आएंगे, आजमगढ़ के लोगों की जो जिम्मेदारी होगी उसको पूरा करने के साथ साथ अपने बधाई के लोगों से जीवन में कभी रिश्ता नहीं छोड़ूंगा, ये भी आपको भरोसा दिलाते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।